जैसा कि आप मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं, मैं आपको ज़िंदगी के उस हर पहलू से अवगत करवाता हूँ जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष, अध्यात्म और विज्ञान का अनूठा संगम है ये चैनल एकांत। आप समझें कि किस प्रकार से अध्यात्म आपके जीवन को बदल सकता है, ज्योतिष आपको जीवन बदलने में आपकी सहायता कर सकता है। आज का विषय, जो आज का सवाल मुझे पूछा है, YouTube पे ही ये सवाल आया था। इस सवाल को पूछा है कि क्या ज्योतिष के उपाय काम करते हैं, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। ज्योतिष के उपाय हर ब्राह्मण, हर पंडित, हर एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय ही बताता है, रेमेडीज। आप उनके पास गए, आपने कंसल्टेंसी ली, आपको आपकी कठिनाइयों के बारे में बताया गया, समझाया गया, ये हुआ है, ऐसे हुआ है, ये हो रहा है और आप ये चाहते हैं ये, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकल के आता है, उपाय। पहले तो ये समझे कि ज्योतिष उपायों की जरूरत क्या है। उपाय का शाब्दिक अर्थ ये है, कोई ऐसा रास्ता खोजना जिससे आप मनोवांछित फल पा सकें। आपके भाग्य में नहीं लिखा है कि आपका बेटा डॉक्टर बनेगा तो आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, मुझे तो इसे डॉक्टर ही बनाना है, कोई उपाय बताओ, मुझे ये गाड़ी चाहिए ही चाहिए, कोई उपाय बताओ। तो वहां से निर्मित होता है उपाय, और वहीं से निर्मित होती है ज्योतिष में धांधलीबाजी। ज्योतिष में व्यापारीकरण वहीं से निर्मित होता है जब आप बिना समझे ज्योतिष के उपाय करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष का सच्चा अर्थ ही यही है, ज्योति और ईश। ज्योति यानी कि प्रकाश, ईश यानी कि परमात्मा, परमात्मा का प्रकाश जिसके माध्यम से आप अपने रास्ते में आने वाले कष्टों से अवगत हो सकते हैं। मानिए कि आपके रास्ते में खड्डे हैं, ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर आपको आपके पथ में आने वाली कठिनाइयों से सूचित करता है, परंतु उसके बाद आप उसे बोलते हैं कि मैं तो यहीं से जाऊंगा, आप इसके लिए कोई उपाय बताएं। जो रास्ता आपके लिए भगवान ने नहीं चुना है, जो रास्ता आपके लिए भगवान ने नहीं बनाया है, आपकी जिद क्यों है उस पर चलने की। जब आपको आपकी ज्योतिषी पे विश्वास हो, जब आपको पूरा दृढ़ निश्चय हो कि आपका ज्योतिषी, आपका एस्ट्रोलॉजर सही है, वो मात्र ज्योतिषी नहीं है, आपका गुरु भी है, तब आपको उसकी बात माननी चाहिए। ज्योतिष उपाय 7 तरह के होते हैं जो मैंने अपने 10 वर्षों के अनुभव में पाया। पहला होता है, जो बहुत फेमस है, रतन धारण करना। दूसरा होता है दान करना, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में किसी गरीब को दान देना। तीसरा होता है पूजा करना, पूजा में ही एक नियम है, व्रत का भी पूजा का हिस्सा है। चौथा है हवन करवाना। पांचवा है औषधि से स्नान करना। छठा है रुद्राक्ष धारण करना। सातवा है यंत्र धारण करना। आठवां है देव दर्शन करना। और नौवां है जमीन में किसी खास सामग्री को दबा देना। दसवां भी है दोस्तों, जो मैं जिसके हक में नहीं रहता हूं। दसवां उपाय सदियों से चलता आ रहा है, इसकी बहुत महिमा है। उस समय शायद जरूरत रही होगी, परंतु आज की जरूरत ये नहीं है। दसवां उपाय है, जब आप किसी सामग्री का, जो किसी ग्रह से जुड़ी है, उसका जल विसर्जन करते हैं। अब मैं इसके मायने क्या निकालूं, आप पानी को खराब करते हैं क्या? जल विसर्जन जब आप किसी सामग्री का करते हैं, तो ये ध्यान रहे कि आपकी सामग्री से जो जल में मौजूद जीव हैं, उनकी हत्या ना हो जाए। बेवजह अनचाहे में आप भागी ना बन जाएं अपने पापों का। गया था पुण्य करने पर पाप करके लौटा, ऐसा कुछ ना। मुझे याद है, आज से 3 बरस पहले मेरे एक मित्र मेरे पास आए, जो अक्सर मेरे से चर्चा करते रहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, तो अक्सर उन्हें स्वभाव में रहता है पूछना, जानना। बहुत अच्छे
शोधक भी हैं, तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि आप 3 किलो काली किले, काली जूते की मेघ किले जल प्रवाह करते हैं, 3 kg, थाउजेंड्स ऑफ नेल्स, काली टोपी वाली किले आप जल प्रवाह कर दें, अब सोचें उनसे कितना नुकसान हुआ होगा जीवों का, अगर उस पानी में, अगर उस तालाब में जीव रहे होंगे। किसने दिया आपको यह हक? मात्र और मात्र उस मूर्ख ज्योतिषी ने जिसने शोध ही नहीं की। ये जो मैंने आपको प्रकार बताए, 9 प्रकार जो मैंने बताए, इनके ऊपर मैं प्रत्येक उपाय के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, बताया जाएगा कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना है, बताया जाएगा कौन सा रतन आपको धारण करना है, बताया जाएगा कौन सा यंत्र आप धारण कर सकते हैं, बताया जाएगा कि किस देवता की आप आराधना कर सकते हैं। रत्नों के साथ ही जुड़ी है कलर थेरेपी, पूजा के साथ ही जुड़ी है व्रतों की महिमा, हवन की महिमा, एक अंग है पूजा का हवन। और मैं क्या देखता हूं, कुछ ज्योतिषी हैं जो मात्र और मात्र हवन के नाम पे ठगे जा रहे हैं लोगों को, फला हवन फला हवन फला हवन। जितना भी समय, जितना भी क्षण आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आपके कर्म उस उपाय में नहीं लगे जिससे आप निजात पाना चाहते हैं जिस बीमारी से, तो उसके लिए आपने कर्म ही नहीं किया तो कैसे भाग्य बदला जाएगा। ब्राह्मण को 20,000 दिया है, उसने पूजा की हो ना की हो भगवान जाने और आप जाने, भगवान को खुश करने के और ब्राह्मण को दान करने के और भी विषय हैं, सोचना होगा, गलतियां ना हो, पाप ना हो, समझे कौन सा व्रत कौन रख सकता है। लोग आते हैं बोलते हैं आचार्य श्री हमने अभी मूंगा पहन लिया, डायमंड पहन लिया, हर रतन आपके भाग्य का घोतक भी हो सकता है और उसे चमकाने के लिए पुल का कार्य भी कर सकता है। सही चयन करना है रतन का, सही चयन करना है पूजा का, सही चयन करना है आपने रुद्राक्ष का। हर उपाय आपका जीवन बदल सकता है, किसी भी उपाय के माध्यम से एक ज्योतिषी का, एक गुरु का यह प्रयास रहना चाहिए कि वो आपको भगवान से जोड़ दे, आपको जोड़ दे उस अपार शक्ति से जो आपका भविष्य बना सकती है। कोई ज्योतिषी, कोई गुरु आपका भविष्य नहीं बना सकता, जो भगवान ने आपके भाग्य में लिखा है, मात्र उसे बताना ही ज्योतिषी का कार्य है, रूठे भगवान को मनाना भी ज्योतिषी का कार्य है, परंतु ज्योतिषी भगवान नहीं है जनाब, मत बनाइए उसे ब्राह्मण को, भगवान मत समझिए, भगवान तुल्य है ब्राह्मण, परंतु भगवान तो भगवान है। पहली बार जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद, मुझसे जुड़ें, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है उस पर भी जुड़ सकते हैं आप, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।